हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो खास उन्हां लई है जो पर्सन कैनेडा इमीग्रेट करना चाहते ने ते ओ देखना चाहते ने कि इससे केड़े वेज ने। अजकल जिवें आपां चाहुंदे कि अब्रोड जाना, हर कोई चाहुंदा, हर एक नूं है कि सैटलमेंट उत्थे अच्छी है, ते इसलिए डिफरेंट एजेंट्स कोल भी जांदे आ लोग, ते एजेंट्स उन्हां नूं अपने अकॉर्डिंग गाइड दिंदे ने, ते पर एजेंट्स जो फीस हुंदी आ काफ़ी ज़्यादा हुंदी है। इस करके ऑफिशियली तुसी घर बैठ के एदी पे कैनेडा दी ऑफिशियल वैबसाइट तुसी किदां चैक कर सकदे हो खोल के कि तुसी किस लिए एलिजिबल हो, तुसी किवें अप्लाई कर सकदे हो, ते केड़ी-केड़ी सर्विसेज अवेलेबल ने जिहदे अंडर तुसी जाके इमीग्रेट कर सकदे हो, ते ओहदे बारे आपां गल करांगे वन बाय वन। तुसी अपनी फाइल बिना एजेंट्स तों किवें लगा सकदे हो उस बारे आपां डिस्कस करांगे। देखो कि इमीग्रेशन दे नंबर ऑफ मैथड्स ने, पहला आपां स्टार्ट करांगे कि एक्चुअल इमीग्रेशन की हो सकती है। इमीग्रेट करने लिए आप बाहर नंबर ऑफ वेज अपना सकते हैं, जिमें आप चाहते हैं कि आप स्टडी करके बाहर जाइए तो आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करा, अगर आप चाहते हैं कि विजिटर वीज़ा से अगर आप थ्री मंथ्स लिए जाना चाहते हैं, टू मंथ्स लिए, तो आप विजिटर वीज़ा लगा सकते हैं। इस तो बिना आप ये भी हो सकता है कि आप परमानेंटली उत्थे परमानेंटली जाना शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंस लिए अप्लाई करना पैंदा है। इस तरीके ने जो वर्क परमिट तो जाके वर्क करना चाहते हो तो वर्क परमिट लिए अप्लाई करोगे। सो अलग अलग मैथड्स ने, तो आप डिस्कस करते हैं कि ऑफिशियल वैबसाइट तुम किमें चैक कर सकते हो, और इसका लिंक थोड़ा मैं शेयर करूँगी अपने डिस्क्रिप्शन के भी, तुम एक बार चैक करके इनू जरूर चैक करना, कोई डाउट हो तो मैंने कमेंट पूछ सकते हो। सो अगर आप स्टार्ट करिए, अगर इमीग्रेशन की गल करिए, इमीग्रेट स्पेस या इमीग्रेट न चूज करना, अगर इमीग्रेट ही करना चाहते हो स्टडी वर्क या तुम कुछ इदा तो नहीं चाहते, सीधा इमीग्रेट करना चाहते चाहे परमानेंटली, चाहे कुछ टाइम लिए, चाहे टैंपरेरी अगर चाहते हो उत्थे वर्क करने। सो बेसिकली काफ़ी सारे प्रोग्राम है जिंदे विच साल बाद या प्री ईयर मिल जाती है, कई बार तुम इतों ही पी आर लैके जाते हो, कोई इदा के प्लान्स नहीं, तुम उत्थे दो साल वर्क करो तुम तो पी आर मिलती है। सो डिफरेंट नंबर ऑफ प्लान्स ने, और सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन इतने मैनशन ने, थोड़ा कितने भी कोई इसकी नॉलेज लैन की कितने भी किसी एजेंट को जाने की लड़ नहीं है। सो आप स्टार्ट कर लगे, पहला मेजरली थोड़ा अच्छ की वीडियो से दसागे कि कि मैथड्स ने बाहर जाने, सब तो पहला जो मैथड है, सब तो पहला जो प्रोग्राम है वो है एक्सप्रैस एंट्री। ये सब तो फास्टैसट वे है, क्योंकि इसकी है कि अगर थोड़ी एज, थोड़ी लैंग्एज एबिलिटीज, थोड़ी एक्सपीरियंस से एडुकेशन अच्छा है, तो वो बेस थोड़े जो पॉइंट्स कैलकुलेट होकर सी आर एस आते हैं, सी आर एस अगर थोड़ा 470 तो उपर बन रहा है तो अज के टाइम इस फाइल लगा सकते हो, तो थोड़े काफ़ी चांस है कि थोड़ा आने वाले मंथ इतने ड्रॉ च नाम आ जाएगा, तुम अपनी फाइल लगा सकते हो। ये सब तो फास्टेस्ट इस करके है एक्सप्रेस एंट्री, क्योंकि इस की होंगे जो अपनी अप्लाई करते हो, एक वीडियो पहले पा भी चुकी हैं कि हाउ टू कैलकुलेट योर सी आर एस। सी आर एस एक्चुअल कि थ्रू कैलकुलेट होंगे, अपनी एज, एडुकेशन, एक्सपीरियंस, अपना आयल्स या फ्रेंच का कि स्कोर है, वो बेस से अपने जो रिजल्ट अपना काउंट करते सी आर एस, फिर जिम्मे लॉटरी सिस्टम होंगे उमें ड्रॉ सिस्टम होंगे, इन्हों में तुम वन बाय वन लाइन लग जाने अपने सी आर एस स्कोर के अकॉर्डिंग, तो टॉप रैंकरस में चक लेंगे जिन्नी उन्होंने परसन बुलाने होंगे, इनविटेशन भेजनी होंगी है, कि जिन्होंने आई टी आई इनविटेशन ड्रॉ च नाम आता है तो वह अपनी फर्दर फाइल लगाता है, तो फाइल तुम अपने जो तुम भरया होगा फिल किया होगा तुम्हें प्रूफ देने कि हाँ थोड़े को एडुकेशन हैगी है, बिल्कुल एक्सपीरियंस है, अपनी एल्स की स्कोर, यह सब को तुम प्रूफ लगाने होंगे। सैकेंड प्रोसैस तो वो प्रोसैस लगाने में थोड़ा 2 महीने दिते जाते हैं, तुम 2 महीने लगा सकते हो अपने और डॉक्यूमेंट्स लगाने तो बाद, उस तो बाद जो सबमिट कर दें हो, उस तो बाद बायोमैट्रिकली कॉल आती, बायोमैट्रिक तो बाद 5 to 6 months के पी आर मिल जाती है एक्सप्रेस एंट्री तो। इस करके फास्टेस्ट वे कहते हैं, क्योंकि जो थोड़ा ड्रॉ च नाम आ गया उस तो बाद महीना या 2 महीना तुम मान लो कि थोड़ा अपलाई कर लग गया, उस तो बाद 6 months within 6 months तुम इतने रिजल्ट पा सकते हो, और कई परसन 3 महीने या 4 महीने भी एक्सप्रेस एंट्री थ्रू सी ओ पी आर आ जाती है। सी ओ पी आर मीनस कन्फर्मेशन आ जाती कि तुम पी आर हो चुके हो, तुम उत्थे जाना होंगे जाके थोड़ा पी आर की पूरी स्टैंप लगती है, तो पी आर का कार्ड मिल जाता है। सो ये सब तो ईजी प्रोसैस है एक्सप्रेस एंट्री वाला, ठीक है। तो अगली मैं ये बारे डिस्कस करूँगी प्रॉपर, यदा एलिजिबिलिटी की है, तुम सी आर एस किमें चेक करना है, यदा की मैथड है। इस तो बिना जो नंबर ऑफ अदर वेज ने भी मैं इस वीडियो दस दिन हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो मैं पाऊंगी उस मैं प्रॉपरली एक्सप्रेस एंट्री बारे एक्सप्लेन करूंगी कि तुम्हें किमें चैक करना है, किमें अप्लाई करना है, तुम्हें किसी एजेंट को जाने की लड़ नहीं है। जो बाकी सारे प्लान्स ने जिम्मे प्रोविंशियल नॉमिनी, ये भी मैं अपनी आने वाली वीडियो शेयर करूंगी, इवन मैं एक वीडियो पहले बना भी चुकी सस्केचवन बारे,
अटैचमेंट तुसी बचाना चाहुंदे हो, तुसी किद्दां अप्लाई करना है, की मैथड्स ने ते कीड़े कीड़े लोग एलिजिबल ने, वो जरूर मेरी वीडियो चैक करना। मैं इहदा डिस्क्रिप्शन च लिंक भी पाऊंगी। ते जिहदा सीआरएस अगर 430 440 है, सीआरएस घट बन रहे हैं, वो परसनस भी अटैचमेंट च अपनी फाइल लगा सकते हैं। ठीक है, पीएनपी वो प्लैन्स ने जिहड़े परसन एक्सप्रेस एंट्री लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, वो परसन प्रोविंशियल नॉमिनी च अपना फाइल लगा सकते हैं। प्रोविंशियल मीनस तुहानू एक पर्टिकुलर प्रोविंस जाना पेगा, जिवें अलबर्टा, ओंटैरियो, बीसी, तुहानू इन्हां दे विचों किसी एक प्रोविंस का प्लैन चूज करके जिस तुसी एलिजिबल बनते हो वो अपनी फाइल लगानी होंगी है। तुहानू वो बेस से 600 पॉइंट एक्सट्रा मिल जाते हैं, तो इस नाल तुहानू एक्सप्रेस एंट्री अपनी जो फाइल लगी होंगी है वो वेटेज मिल जाती है। इस तो बिना अटलांटिक इमीग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम्स ने, फैमिली स्पॉन्सरशिप ने। फैमिली स्पॉन्सरशिप का मतलब तुसी अपने स्पाउस नू, अपने चाइल्ड नू, या इस तो बिना अपने पेरेंट्स नू बुला सकते हो इस दे बेस से, जो तुसी उत्थे दे पीयर बन चुके हो। क्वेबेक दा भी काफ़ी अच्छा प्लान है, ये बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियो डिस्कस करूँगी भी तुसी किवें एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो ते किवें अप्लाई कर सकते हो। इतने केयर गिवर्स की अजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। केयर गिवर्स हो गए, होम सपोर्ट वर्कर्स हो गए, क्योंकि पहला किसी नैनी जोड़े होंगे सके वो सिर्फ आप जा सकते सी, पर अजकल जो प्लान चल रहा है नैनी है केयर गिवर्स है वो अपने नाल अपनी फैमिली को भी ना लेके जा सकते हैं। तो कुछ परसन जो इतने केयर गिवर या इतने नर्सिंग का काम कर चुके हैं इदा का कुछ वो ये एलिजिबल बन जाते। इस तो बिना सैल्फ इंप्लायड जिन्होंने खुद की कंपनी इतने कुछ खोलिया हो भी बाहर जा सकते हैं। एग्री फूड पायलट प्रोग्राम इदा के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ने, पर सब तो जो ईजी वन है वो एक्सप्रेस एंट्री है। तो